हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अपने किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन को हम लोग इंटरनेट पे किस तरीके से डिप्लॉय करते हैं, एक लिंक जनरेट करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो इस चीज़ को हम लोग अभी डिप्लॉय करेंगे अपने नेटलीफाई पे। ठीक है, ये सारा प्रोसेस हम इस प्रोजेक्ट को अभी डिप्लॉय करने वाले हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट है जो कि रिएक्ट ऐप पे बना हुआ है। ठीक है, अभी ये सारा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अच्छे से सारा कुछ हर कुछ काम कर रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को मैं डिप्लॉय करके देखने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसके नेटलीफाई पे किस तरीके से अपलोड करते हैं, किस तरीके से लिंक जनरेट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं अपने वीएस कोड पे, और यहाँ पे ये देख सकते हो, ये हमारा प्रोजेक्ट है कोड में। और अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो ये हमारा इस पोर्ट नंबर पे हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम अपने इस प्रोजेक्ट को टर्मिनल में फिर से ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है। तो हम बिल्ड करने का कमांड है npm रन बिल्ड, और हिट इंटर करेंगे। हिट इंटर करने के बाद जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बिल्ड होया हुआ फोल्डर डिस्ट नहीं था। अभी देख सकते हो आप, यहाँ पे डिस्ट आ चुका है और यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा जो भी प्रोजेक्ट था वो बिल्ड हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने क्रोम ब्राउजर पे नेटलीफाई को ओपन कर लेंगे। अगर आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आप सबसे पहले अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट होया हुआ है। अगर आपको इस टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो सिंपली हमें यहाँ पे हम अपने नेटलीफाई पे आ जाते हैं, और नेटलीफाई पे आने के बाद हमें यहाँ पे दिखेगा साइट्स। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मैं पहले से एक प्रोजेक्ट अपलोड करके रखा हुआ हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इधर साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐड न्यू साइट करके एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन मिलेगा। तो सिंपली जब हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है डिप्लॉय मैनुअली, क्योंकि हम लोग इसे मैनुअली यहाँ से डिप्लॉय करने वाले हैं। तो हम इस पे क्लिक कर लेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि ड्रैग एंड ड्रॉप इट्स ऑनलाइन। यहाँ पे हमने जो अभी फाइल, यहाँ पे देख सकते हो आप, डिस्ट जो हमारा बिल्ड हो के ये जो फाइल बना है इसके अंदर सारा फाइल हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और ड्रैग करके हम लोग यहाँ पे लाके इसे अपलोड कर देंगे। तो हम लोग पहले इसे ओपन कर लेते हैं, जो जहाँ पे भी हमारा ये प्रोजेक्ट है वहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाता है डिस्ट फोल्डर। अब सिंपली इसे हम लोग यहाँ से उठा के सिंपली हम लोग यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद हमारा जो भी प्रोजेक्ट होगा वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ी देर हम लोग वेट कर लेंगे अपलोड होने का। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट जो भी है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे ओपन प्रोडक्ट डिप्लॉय करके दिखाऊँ तो यहाँ पे अभी देख सकते हो आप, ये देखो यहाँ पे जो हमारा अभी लोकल होस्ट पे चल रहा था, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो लोकल होस्ट पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था अब वो हमें यहाँ पे नेटलीफाई के ऊपर ऑनलाइन मिल गया है। ठीक है, अभी धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट सारा कुछ अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं नेटलीफाई पे, और जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है एक ऑप्शन हमें दिखता है साइट कन्फिग्रेशन। साइट कन्फिग्रेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा कुछ जो भी हमारे साइट्स का है, कौन ऑनर है, कब ये सब कुछ हुआ है, वो सारा कुछ यहाँ पे हमें डिटेल मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो हमारा डिप्लॉय हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हो आप, रैंडम एक हमें जनरेट होके मिला है, जो URL है वो रैंडम हमें जनरेट होके मिला है। तो सिंपली इसे हम अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग इसे जो भी हमारा प्रोजेक्ट का नेम होगा तो हम लोग सिंपली उसे उस प्रोजेक्ट का नेम से डिप्लॉय करेंगे। तो हमारा फूड डिलीवरी करके ये प्रोजेक्ट है, तो हम उस नाम से यहाँ पे सिंपली इसे सेव कर लेते हैं। और अगर अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं,
तो अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो भी प्रोजेक्ट का यूआरएल है वो चेंज हो चुका है सक्सेसफुली, और ये हमारा प्रोजेक्ट लाइव हो चुका है। और अब हम क्या कर सकते हैं, अपने इस यूआरएल को अपने अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट को आपको भेजना हो तो वो आप लिंक के थ्रू आप उसे अपना प्रोजेक्ट दिखला सकते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है। तो रिएक्ट का ये जो प्रॉब्लम था ये अभी हम सॉल्व कर लिए हैं। तो सिंपली अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ये सारा कुछ जो भी मेरा है वो अच्छे से काम करना चाहिए। अगर मैं ऐड टू कार्ट कट करता हूँ, दो प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो ये हमारा देख सकते हो आप, दो दो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे ऐड हो चुका है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जिस टाइप से हमारा यहाँ पे ऑफलाइन में काम कर रहा था। अब सेम उसी तरीके से हमारा ये और डिप्लॉय होने के बाद भी काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को, रिएक्ट एप्लीकेशन को किस तरीके से हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं, नेटलिफाई पे किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं, किस तरीके से लिंक जनरेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो सारा कुछ हमने यहाँ पे देखा था। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।